क्या ये आफत की बारिश है? शायद इसमें किसी को अब कोई संदेह न होगा, लेकिन कुछ महीने पहले ही पानी पानी हो चुके तमिलनाडु के इन्हीं इलाकों में झुलसा देने वाली गर्म हवाओं ने हलकान कर रखा था। ये क्या है, ये क्यों है, सवाल यही है। ध्यान रखिए कि भारी बारिश की घटनाएं चाहे तमिलनाडु हो या राजस्थान, ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बारिश के दिनों की संख्या घटी है, यानी कम वक्त में काफी ज्यादा बारिश, इतनी बारिश कि कोई शहर इसे संभाल ही न सके। प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम मंचों से जिस खतरे से आगाह करते रहे हैं वो अब सामने है। कुछ ऐसा ही जिक्र यूएन असेसमेंट की पांचवी रिपोर्ट में भी है। पिछले अप्रैल में ही भारी तूफान ने पांच राज्यों में तबाही फैलाई तो बाद में सूखे ने बूंद बूंद को तरसाया। साल 2013 में उत्तराखंड की तबाही आज तक हमें कंपा जाती है, तो 2005 की मुंबई बारिश ने सब धो दिया, सारे दावों सारे इंतजामों को। भारतीय वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट बताती है कि चरम यानी एक्सट्रीम मौसम के हालात बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने अपने एक आकलन में 14% बारिश की कमी का अनुमान दिया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच दक्षिण भारत में अल नीनो भारी बारिश के रूप में अपना कहर बरपाएगी। लेकिन क्या हमारे शहर इसके लिए तैयार हैं? चेन्नई में ही नवंबर में 119 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार अल नीनो और उत्तर पूर्व मानसून ने एक साथ मिलकर हालात को बदतर कर दिया। पिछले दो दशकों में चेन्नई में बढ़ती आबादी ने दबाव बढ़ाया है। कुछ सालों पहले तक चेन्नई में 150 छोटे बड़े तालाब और पोखर थे जहां बारिश का पानी जमा होता था, लेकिन अब ऐसे पोखरों और तालाबों की संख्या सिर्फ 27 ही रह गए हैं। ऐसे में सवाल है कि आसमान से बरसती आफत जाए तो कहां जाए। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये बहुत कुछ मौसम का असर है और कुछ हालात हमने खुद भी ख़राब किए हैं, ये तमाम बातें हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच चेन्नई में पानी के प्रकोप से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमें वहाँ लगातार काम कर रही हैं। इसके साथ ही और 7 टीमों को वहाँ के लिए रवाना कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार निगाह रखी जा रही है। ज़रूरत पड़ी तो और भी टीमों को वहाँ भेजा जाएगा, ये जानकारी दी है एनडीआरएफ के महानिदेशक ओपी सिंह ने। भारी बारिश ने चेन्नई को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क, रेल और रनवे पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ के डीजी इस समय हमारे साथ हैं। सर, कितनी टीम काम कर रही है और हालात कैसे हैं अभी? कल से ही बारिश, काफ़ी ज़ोरों की बारिश होने की वजह से पूरा जनमानस पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ट्रैफिक और जो नॉर्मल लाइफ है वो आउट ऑफ गियर हो गया था। हम लोगों ने 15 टीमें अभी तक भेज चुके हैं और वो 15 टीमें एक्टिवली वहाँ पे डिप्लॉय होकर काम कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले हमने 3 टीमों को भुवनेश्वर से भेजा है, जो वहाँ पे रात तक पहुँच जाएंगी और वो भी करेंगी, और उसके अलावा 4 टीमें हम दिल्ली से भी भेज रहे हैं। अच्छा, फोकस अभी कहाँ है? चेन्नई रखा हुआ है या चेन्नई के आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ का फोकस है? एनडीआरएफ का फोकस उन सभी इलाकों में है जहां पानी काफ़ी भरा हुआ है और लोगों को हमारी मदद चाहिए। अच्छा, किस तरह के, क्योंकि अगर चेन्नई को देखें तो बड़ा छोटा कह सकते हैं कि कंजस्टेड जैसा सिटी है, गली गलियों में चूंकि जगह जगह पानी है, तो किस तरह का चैलेंज है और किस तरह के इक्विपमेंट आप लोगों के पास हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज हमारा है वहाँ तक पहुँचने का। जैसा कि मैंने कहा कि कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, तो हमारी टीम्स को कल पहुँचने में बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन आज सभी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया है, कितने लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और अभी भी आपको क्या लगता है कि कितने लोग और अभी फंसे हुए हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोग फंसे होंगे। अभी तक हम लोगों ने 400 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। रनवे काम नहीं कर रहा है वहाँ पर, तो किस तरह से जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगी, कैसे रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि रनवे खुद ही नहीं काम कर रहा है।
हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, चेन्नई एयरपोर्ट जो है वो बंद है क्योंकि वहाँ पे रनवे पे 2 फीट का पानी जमा हुआ है। हम लोगों ने पहले प्रयास किया था कि हम वहाँ चेन्नई में करें, लेकिन चेन्नई चूँकि एयरपोर्ट बंद है तो अब हम रजौली INS जो नेवी का एयरफील्ड है उसमें हम कर रहे हैं और वहाँ पर हम अपने फोर्सेज को लैंड कराएंगे। बाढ़ का पानी निकल जाएगा, उसके बाद भी कई सारे जो चैलेंज हैं वो रहते हैं, बीमारी और तमाम तरह के जो खतरे हैं वो भी रहते हैं, तो उसके लिए भी आपने कुछ इंतजाम किए? नहीं, हमारी टीम्स जो हैं उनमें मेडिकल कंपोनेंट भी होता है, हम प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी देते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, और जब हम पूरी तरह रेस्क्यू कर लेंगे लोगों को, उनको अच्छे जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर ले जाएंगे, उसके बाद हम उन सब चीज़ों की ओर देखेंगे। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ DG NDRF, जिनका कहना है कि जो NDRF की टीम है वो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, लेकिन और भी टीमें स्टैंड बाई हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उन टीमों को भी वहाँ पर पहुँचाया जाएगा ताकि जो लोग इस बारिश में फंसे हुए हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। नीरज सिंह, DD News, दिल्ली।